हाय दोस्तों, ए टू जेड बाइक रिपेयर मास्टर में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आज आप लगाएंगे KTM की इंडिकेटर, जो सीधी होती है, हल्की सी। आपने बहुत शिकायत सुना होगा कि बाइकों का इंडिकेटर क्या होता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार से जैसे कि इंडिकेटर है, आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही बहुत सी जाम में हो गया, ट्रैफिक में हो गया, तो इस तरीके का रहेगा। इसके क्या हो, वायर छोटे आएंगे, तो ये वायरिंग इसलिए अलग से रख रखा मैंने इसे लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसे मैं किस तरीके से इंस्टॉल करता हूँ इस बाइक में, आपको फिर मैं दिखाता हूँ। इसे खोलने से पहले आपको क्या क्या चीज़ खोलना पड़ेगा मैं आपको ये बताता हूँ। ये दोनों तरफ के जैसे साइड कवर हो गए, उन्हें आप निकाल लें। चाबी लगी हुई, इसे घुमा के आप बाहर की तरफ ओपन कर सकते हैं। और ये बाहर निकलना, पीछे बैक की तरफ आपको निकालना है। इसमें साइड कवर में भी लिखा है आउट और इन, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये जैसे 10 नंबर का इसमें बोल्ट है, आप इसे भी ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप ये 10 नंबर की गोटी से इसे बाहर निकाल लेंगे। ऐसे उस तरफ भी आपके दूसरे साइड भी क्या, बस इसमें जो न्यू मॉडल का आया हुआ है, इसमें 10 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, या पेचकस में आपका होगा। ये इनसे मैंने पहले से लूज कर रखा है। इसे बाहर निकाल लेंगे बोल्ट को, जैसे उसको आपने निकाला था इन आउट करके, वैसे निकालना है। और ये जो बोल्ट है इसे आप खोल लेंगे। उसके बाद बोल्ट खोलने के बाद फ्रेंड्स आप सीट को ओपन कर लें, आगे तरफ खींच के। ये आपके इंडिकेटर के वायर हैं जो बैक में आपके रहते हैं, ये राइट साइड के हैं जो ग्रीन और ब्लू में है, और जो हल्का पिंक में और ग्रीन में है वो लेफ्ट साइड के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी इसे इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या अभी इंडिकेटर के कौन से बोल्ट आपको खोलने हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो बोल्ट दिख रहा है 10 नंबर का, आपको इसे खोलना है, और ऐसे इस तरफ भी होगा दूसरे साइड में भी, उसे आपको खोलना है दोनों इंडिकेटर के। जैसे कि आपके ये इंडिकेटर लगे हुए हैं, इनके भी उस तरह भी होगा, ऐसे उधर से आप देखेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। चाबी से खोल लें, या आपके पास गोटी है कि आपको किसी भी चीज़ से आप 10 नंबर से आप किसे खोल कर बाहर निकाल सकते हैं। देख सकते हैं अब खुल चुका है। उसके बाद ये आप राइट का इंडिकेटर का निकाल लें वायर, ये इंडिकेटर की है। उसके बाद आप इसे खींच लेंगे, बाहर आ चुका है इंडिकेटर। और ऐसे दूसरे साइड का भी आप खींच लेंगे। जैसे कि ये निकला हुआ, फिर आप इसे भी ऐसे बाहर निकाल लें। आप ये देख सकते हैं, फिर उस वाली सी इंडिकेटर को अपने बैटरी के थ्रू आप जला सकते हैं, इस तरीके से जलेगा ये। तो अब इसका कनेक्शन करते हैं, जैसे अभी इसको खोला था मैंने यहाँ, तो अब इसे लगाते हैं। जैसे कि कभी आपका कभी इंडिकेटर जल नहीं रहा हो, चारों नहीं जल रहा हो, और इंडिकेटर आपका काम नहीं कर रहा हो, तो एक दफ़े आप इसे एक बार को इसे भी फ्लैशर को भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि तो फ्लैशर भी जब ख़राब रहता है तब भी इंडिकेटर आपका चारों बिलिंग नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बजर है इसकी साउंड के लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स से इंस्टॉल करेंगे इंडिकेटर को। आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके छोटे वायर आते हैं, तो इसे बड़ा करने के लिए अभी मैं इसका कनेक्शन भी कर दूंगा, लेकिन आप ये इंस्टॉल करते हैं इसमें इंडिकेटर को। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों इंडिकेटर अब लग चुका है। ये आप ये देख रहे हैं, ये ऐसे ऊपर नीचे भी होगा तो भी नहीं टूटेगा। क्या होता, पहले इंडिकेटर जो लोकल आता था ऐसे घूमने में टूट जाता था, लेकिन ये घूमने में भी नहीं टूटेगा। और इसी तरीके से अभी फ्रंट में भी लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, अब कनेक्शन इसका हो चुका है। अब देखते हैं इंडिकेटर कैसे काम करता है। इस तरीके से काम कर रहा है आपका इंडिकेटर। और अभी क्या है, इसमें जो फ्लैशर है इसमें ओरिजिनल है,
अभी मैं लोकल फ्लैशर इसमें डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी बिलिंग है, क्योंकि डायरेक्ट हो जा रही है, आप देख रहे हैं ये जो है बिलिंग इसकी आपकी डायरेक्ट रह जा रही है, रोशनी तो बहुत तेज है इसकी। मैं फ्लैशर के लिए आया हम लोग, देखिए ये लोकल फ्लैशर है फ्रेंड्स, अभी इसे मैं डाल के इसे चेक करता हूँ, क्योंकि ये जो डायरेक्ट हो जा रही है ये डायरेक्ट होनी नहीं चाहिए इसे। ओके, अभी आपको मैंने बताया था फ्लैशर जब आपका बिलिंग या इंडिकेटर काम ना करे तो इसीलिए चेंज करते हैं। आपको मैं चेक कराने के लिए इसे लगा रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये इंडिकेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आपका, क्योंकि ये लोकल फ्लैशर क्या होते हैं ज़्यादा पावर के होते हैं, ये अपने जो ओरिजिनल जो कंपनी से आते हैं कम पावर के होते हैं। अब इसका ये जो बजर है फ़ौरन इसका टू टू बजने वाली वो लगा देते हैं, कनेक्शन कैसे करना है, जो ब्लैक वायर है वो आपको सीधे रेड में डालना है, जो बजर का रेड कलर का वायर है और जो ब्लैक है वो आपकी जो अदर कलर की तार है उसमें डालना है आपको, क्योंकि आप ये देख सकते हैं जेन्युइन फ्लैशर है कंपनी का, मेक इन इंडिया, इसमें कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं है, चाइनीज आइटम है ये। और आपको मैं बताया था कि ब्लैक वायर है इसमें, ब्लैक ये एक हल्की जो ग्रे कलर की है उसमें भी लगानी है अभी। अभी लगा दिया हूँ, अब इसमें अब पूरे तरीके से काम करेगा, आपको मैं भी दिखाता हूँ, देख रहे हैं दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से चल रहा है, इसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ा काम नहीं है फ्रेंड्स। इसके जो वायर हैं इसे जैसे खोला था आपने उसी तरीके से पैक कर देना है, और जैसे मैं आपको बता दूँ लेफ्ट वाली जो रहेगी, लेफ्ट वाली आपकी एरी लेफ्ट की तरफ जो उधर की तरफ आपका इंडिकेटर है उसका कनेक्शन इधर रहेगा, और राइट की तरफ वाली ब्लू वाली रहेगी, ग्रीन टाइप की सॉरी, आपने जैसे खोला था उसी तरीके से आपको पैक कर देना है। इस 10 नंबर के इसके बोल्ट होल्डिंग वायर है, ऐसे इसका दूसरी तरफ ये बाहर निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था लेफ्ट कलर का तार ये है, और जो राइट कलर का तार है आपका आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको खोलना है। इंडिकेटर के तार आपके फ्रंट पे है, ये वाइजर के जो आपके बोल्ट हैं इंडिकेटर निकाल लेंगे, जैसे कि इसमें दोनों तरफ ही हैं इसको भी निकाल लेंगे, ये पत्ती जो है इस पत्ती को लगाना मत भूलना जो इसमें लोहे वाली है। अच्छा नट को खोल लो और इस तरीके से आपने इंडिकेटर निकाल लो, पत्ती ऐसे गिर जाएगा, और ऐसे दूसरी तरफ का भी आपने निकाल लेना है, क्योंकि ये कंपनी की है, कौन सी हीरो की अपनी। अब इसमें जो है आपकी मैंने जो बताया था KTM वाली लाइट वो पैक करेंगे इसमें, क्योंकि इसके छोटे वायर आएंगे तो, लेकिन आपको अलग से एक वायर लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और लगाने से पहले जैसे आप सोचेंगे उसमें कैसे कनेक्शन करूं, तो ये जो इसका थिम्बल है फ्रंट का जो थिम्बल, ये आप ऐसे खींचेंगे बाहर आ जाएगा ये, क्योंकि ये हल्के होते हैं, चाइनीज आइटम होते हैं, आप देख रहे हैं इस तरीके से बाहर आ जाएगा ऐसे। तो उसके बाद आपने लगा देना है इसमें तार कटिंग करके, और इसके बाद इसको ऊपर जो है थिम्बल को टाइट कर देना है, इसी तरीके से लगाना, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये वायर लगाने से पहले ये जो पत्तियां हैं आपकी
इस पत्ती को लगा लें, और लगाने के बाद फिर ये इंडिकेटर का इसे लगा लें आप इस तरीके से लगाना है, और उसके बाद इसमें जो नट है वो टाइट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से लगाना है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं दोनों तरफ से सारे नट बोल्ट इसकी पत्तियां जो है इसे कनेक्शन में ले आएंगे, आउट नहीं होनी चाहिए क्योंकि नट बोल्ट फिर नहीं लगेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये इसके थिम्बल भी लग चुके हैं अब दोनों तरफ के, क्योंकि ये थोड़े जो वायर थे हमारे जो छोटे छोटे थे अब इसमें मैंने काट के जोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे लगाते हैं, तार को शेप भी आपने निकाल लेना है, और देख सकते हैं ये बस ओनली इसमें तीन तार हैं, तो एक लेफ्ट वाली लेफ्ट में लगाना है, एक राइट वाली राइट में, ये राइट वाली राइट में, लेफ्ट वाली लेफ्ट में, एक जो आपको मैंने न्यूट्रल अर्थिंग के लिए, इस तरीके से इसके तार लगेंगे, एक लेफ्ट वाली लेफ्ट में, ये जो है ये लेफ्ट है ये राइट है, और दोनों जो एक तार है कॉमन वो उसमें दोनों में एक जैसे ही लगना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे लगाता हूँ, पैक करता हूँ। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, ये फ्रंट की जो आती है ऐसे जो लेफ्ट है, और इसके साथ चल के पीछे भी देखते हैं जल रहा है कि नहीं जल रहा है, देख सकते हैं पीछे भी जल रहा है आपका, और इसी तरीके से आपको ये राइट का है तो ऐसे लेफ्ट का भी देखना है। अब ये लेफ्ट का है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को भी, कोई भी दिक्कत आपको कोई महसूस हो तो ज़रूर कमेंट भी करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।